स्टार्ट है ना। ओके तो हमारे बीच में जरा फिराद घुमा के बोर्ड अपने स्टेशन के अंदर से चार गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल पता चले रहेगा अगले दो मैचों में जो बोलेगा बस इतने से काम नहीं चलेगा दो मैचों में कमाल गाइस। अच्छा आप हमारे बीच में आ चुके हैं अपना ड्यूटी बस हमारे साथ गुजारने वाले हैं और हमारे सेमीफाइनल राउंड का स्टैंडिंग भी हम अभी करवाने वाले हैं क्योंकि हमारे बीच में आ चुके हैं हमारे कोलकाता के बीच में उनको बता दीजिए वो आ जाए आपके साथ में तो हम लोग साउंड चेक अभी तैयार है देखिए कैसे इसे रात को अरे यार क्या सामने से सभी गाड़ियां हैं हाँ 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 हम सबके बीच हमारे हार्दिक आशीष लीडर हमारे गार्जियन जनाब फिरहादीन साहब आ गए हैं वो वहाँ बैठेंगे दादा का ही प्रोग्राम है दादा कंटिन्यू रहेंगे अभी आप सभी से गुजारिश है यहाँ से साइड हो जाए थोड़े सभी वॉलंटियर वॉलंटियर यहाँ से आ जाए सब साइड हो जाए और मैदान को भी खाली कर दें फर्स्ट सेमीफाइनल वार्ड नंबर 78 शुरू होने वाला है आप सबसे गुजारिश है कि मैदान भी खाली कर दें वॉलंटियर मैदान को खाली कराएं वार्ड नंबर 80 के मैनेजर कोच से गुजारिश है कि वो अपने टीम को लेकर मैदान में आए वार्ड नंबर 78 के मैनेजर और कोच से गुजारिश है कि वो टीम लेकर के मैदान में आ जाए आप सभी से बढ़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि शॉर्ट साइड हो जाइए जिनका फोटो लेना हो गया है वो प्लीज शॉर्ट साइड हो जाइए बोल लेते हैं ठीक है नमस्कार आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और मैं हूं आपके साथ विकास कुमार इस वक्त द लोकल जर्नलिस्ट की टीम मौजूद है नवाब अली पार्क जहां खेला हुए दिवस के शुभ अवसर पर फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया है जहां पे लगातार फुटबॉल के मैचेस चल रहे थे और अभी सेमीफाइनल मैच होगा इसके बाद फाइनल मैच होगा और अभी स्टेज पे मौजूद हैं फिराद हकीम साहब जो मेयर हैं कोलकाता के मेयर हैं वो आ रहे हैं मैं उनसे कुछ तो चलिए स्टार्ट करवाते हैं और क्योंकि हमारे हीरो आ चुके हैं इधर नमस्कार मैं उशालिनी झा और आप देख रहे हैं लोकल जर्नलिस्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं फिराद हकीम जी तो चलिए इनसे कुछ बातें करते हैं गोलकी रहेंगे सुस्तीदा गोलकी रहेंगे सुस्तीदा जैसा कि आप देख सकते हैं दादा की करेंगे आप लोग पीछे रहिए प्लीज अभी ये फुटबॉल खेल कर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाएंगे देख सकते हैं यहाँ पे अभी ये फुटबॉल खेल कर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने की तैयारी हो रही है जैसा कि आपने देखा यहाँ पे उन्होंने फुटबॉल खेला चलना बाइट बाइट बाइट
साइड का चापो चापो उसको। बाबू किधर गई थी? किधर है ये? किधर चली गई थी यार? तुम्हीं को ढूंढने हम गए थे। तुम लगा ना इसका, देखो इसका वो गिर गया। अरे कबा यही गिरा है ना, कोई दिक्कत नहीं। साउंड चेक 2024 में 500 बोले बीजेपी हर में सरकार ऑब्जर्व किया गया है। आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे लिए फख्र की बात है। हम बंगाल में खेल कूद इसके ऊपर प्रशासन देते हैं और ममता बनर्जी बंगाल के जनता को लेके बीजेपी को 213 गोल में हरा चुकी है और 7 गोल बाकी है। कुछ ही दिन में जब हमारे बाईपोल होगा तो देखिए और 7 गोल खा के 220 गोल में बीजेपी हार जाएगा। तो क्या आज 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 हिंदुस्तान में 15 राज्य में स्टेट में ये खेला होवे दिवस मनाजना जा रहा है, बंगाल में चारों तरफ जा रहा है। और 2024 में 500 गोल से बीजेपी हारने वाली है, इसलिए अभी वो हमारे गाड़ी तोड़ रही है त्रिपुरा में, ये कर रही वो कर रहा, सीबीआई ईडी फीडी सब कुछ कर रहा है, मगर 500 गोल से हिंदुस्तान के आवाम बीजेपी को हराएगा। सर जैसा आपने जो गोल बोला, जैसे फुटबॉल में गोल होता है, तो आपने पॉलिटिक्स को खेल से कनेक्ट कर रहे हैं। हाँ, पॉलिटिक्स भी एक खेला है। सर ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ममता बनर्जी जैसे बंगाल में गोल किए हैं 213 सीट से, वैसे भी पूरे 544 सीट है ना भारतवर्ष में, तो 500 गोल बीजेपी खाने वाला है। ऐसा लगता है त्रिपुरा से इसका शुरुआत हो चुका है। त्रिपुरा में तो होगा ही, हमें मार रहा है, हमें तोड़ रहा है, हमारे गाड़ी तोड़ रहा है, एमपी लोग को मार रहा है, मारने दो। गांधी जी ने कहा है जो मार खाते हैं उससे बहुत ताकतवर वो होते हैं जो मार को हजम करते हैं, जो सहते हैं। इसलिए हम सह रहे हैं और डेमोक्रेसी में यही है, हम डेमोक्रेटिक वे से अहिंसा से हम ये आंदोलन जीतेंगे और सारा भारत से बीजेपी जाने वाला है। सर आज खिलाड़ियों को उत्साह बढ़ाने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? खिलाड़ी अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से खिलाड़ी सब समय उत्साहित है, पूरे आवाम उत्साहित है और सब दिलो जान से ये खेला हो या तृणमूल कांग्रेस को हर समय सपोर्ट करता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि अभी आप देख रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे फिराद हकीम साहब जो कि कोलकाता के मेयर हैं, कोलकाता पोर्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से विजय भी हासिल किया उन्होंने इलेक्शन में। तो उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जो है आगे भी खेला करती रहेंगी और खिलाड़ियों को उत्साह बढ़ाने के तौर पे उन्होंने कहा कि पोर्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी के खिलाड़ी जो है हमेशा उत्साहित रहते हैं, तो आगे भी द लोकल जर्नलिस्ट जो है देश दुनिया की खबरें दिखाएगी और अगर हो सके तो लाइव भी दिखाएगी कि ये फुटबॉल मैच का। तब तक बने रहे हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।